काफी ज्यादा टाइम बाद अपने थॉट शेयर करने आई हूँ यहाँ पर। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे यहाँ पर जो आए हैं वो मुझे नहीं जानते, और एक्स्ट्रा मार्क्स, बायजूस, वेदांतु ये देखकर वो यहाँ पर आए। मैंने एक्स्ट्रा मार्क्स, वेदांतु, बायजूस तीनों का इंटरव्यू दिया, जिसमें से दो मैंने क्लियर करी थी, बायजूस और एक्स्ट्रा मार्क्स, और मैंने एक्स्ट्रा मार्क्स ज्वाइन करी। वेदांतु मैंने क्लियर नहीं कर पाई थी। यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट बना के रखी है चीज़ों को लेकर, आई गेस जो आप जानना चाहोगे, और मैं एक्चुअली बताना चाहूँगी चीज़ें, आई होप कि वो हेल्प करेगी आप लोगों को। सबसे पहली बात कि मैंने कब ज्वाइन करा था, मैंने जून में दिया था इंटरव्यू एक्स्ट्रा मार्क्स का, और उसके बाद जुलाई में ज्वाइन करा था। टोटल लाइक 1 मंथ लगा था इन बिटवीन, मैंने जब ज्वाइन करा उसके बीच में। मुझे एक चीज़ जो बहुत बुरी लगी एक्स्ट्रा मार्क्स की, वो अपडेट नहीं करते। अगर आप नहीं हुए हो सिलेक्ट तो वो ये मतलब बोलते नहीं है, या ये बताते नहीं है स्टूडेंट्स को कि आप नहीं हुए हो सिलेक्ट। ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। मेरी ग्रुप में 150 समथिंग कुछ स्टूडेंट थे, जिसमें से उन्होंने 4 को सिलेक्ट करा, 4 या 5 को सिलेक्ट करा। बाकी के स्टूडेंट्स को आपके पास कोई अपडेट नहीं है कि वो सिलेक्ट हुए भी हैं या नहीं हुए, और नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, या कब तक कुछ मेल आएगा, या कुछ कुछ कोई अपडेट नहीं। इनफैक्ट मेरे भी साथ यही चीज़ थी कि उन्होंने मेरा एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया था, वो मैंने क्लियर कर लिया था। उसके बाद एक टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया, जो मैंने क्लियर करा, उसके बाद मेरे पास कोई अपडेट नहीं थी। बस मुझसे एक से दूसरे ग्रुप में स्विच करवाया जा रहा था, इसको छोड़ के उसमें, उसको छोड़ के उसमें, और हर एक में बोला जा रहा था कि हाँ हम कॉल करेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे। और मैं हर दूसरे इंसान से पूछती थी कि क्या आपका इंटरव्यू हो गया, तो वो बोलता था हाँ हाँ मेरा तो इंटरव्यू हो गया। और एट द सेम टाइम मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा नहीं हुआ है तो मुझे लिया भी गया है या नहीं लिया गया है, कुछ अपडेट नहीं, बस मुझे स्विच करवाया जा रहा है ग्रुप ग्रुप से ग्रुप, है ना। क्यों मैंने ज्वाइन करा था एक्स्ट्रा मार्क्स, लॉकडाउन था, कोई और काम नहीं था, घर पर बैठे रहते थे, तो मैंने सोचा ठीक है कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नई से कुछ बेहतर होगा, और सैलरी वगैरह भी अच्छी दी जा रही है, ऑफ कोर्स ये चीज़ सभी सोचते हैं, तो ठीक है ज्वाइन कर लेना अच्छा है, तो मैंने इसलिए ज्वाइन करा। अगर मैं बात करूँ एग्जैक्टली एक्स्ट्रा मार्क्स क्या है, या बायजूस क्या है, या वेदांतु क्या है, एक्स्ट्रा मार्क्स एक एडटेक कंपनी है, उनका प्रोडक्ट रहता है फर्स्ट टू 12th तक के स्टूडेंट, IIT JEE के जो स्टूडेंट्स हैं उनके उनके लिए, जिसमें वो ऑनलाइन पढ़ाई करवाते हैं स्टूडेंट्स की, ठीक है। और बायजूस आई गेस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी उनके प्रोडक्ट्स हैं। सो ऑल एंड ऑल एडटेक कंपनी है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होती है। आपकी प्रोफाइल क्या रहेगी, आप एक बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव रहेंगे, दैट क्लियरली मीन्स कि आप एक सेल्स पर्सन है, ठीक है, आपको उनके प्रोडक्ट सेल करने हैं, ठीक है। आई गेस सैलरी की भी बात कर लेना चाहिए हमें। सैलरी आपको इन हैंड 17,000 समथिंग कुछ दी जाएगी, जिसमें से भी डिडक्शन होगा अगर आप परफॉर्म नहीं करते हैं तो, ठीक है, अच्छे से अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो। बाकी 16,000 समथिंग कुछ दी जाएगी। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो शायद आपको 40, 50, 60 अकॉर्डिंग टू आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से दी जाएगी आपको सैलरी। प्रेशर की अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअली प्रेशर रहता है। जब मैं ज्वाइन करने वाली थी एक्स्ट्रा मार्क्स, तो मैं सोचती थी यार पैसा इतना है ठीक है ना, प्रेशर थोड़ा बहुत देख लेंगे, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपके ऊपर के जो लोग होंगे ना, तो वो आपको फोर्स करेंगे कि आप क्या कर रहे हो, नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो तो क्यों फ्री फोकट की सैलरी ले रहे हो, अगर नहीं हो पा रहा है आपसे तो आप छोड़ दो, और नहीं तो मतलब बुरा बुरा बोला जाएगा ऑल एंड ऑल, तो आपको बुरा लगेगा ऑफ कोर्स, या आपको बोला जाएगा कि आपकी सैलरी कट कर लेंगे हम अगर आप नहीं करोगे, तो आपकी सैलरी कट क्या आएगी, अब देख लो आप अपने हिसाब से। तो वो प्रेशर एक्चुअली फील होता है। अगर कोई ये सोच के जा रहा है कि यार 50,000 हमारे हाथ में मिल रहे हैं, ठीक है ना, देखा जाएगा, प्रेशर प्रेशर होता है। और एक बार आप ज्वाइन कर लोगे ना, उसके बाद आप 6-7 मंथ के बीच में तो नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि 3-4 मंथ तो कम से कम वो कंपनी में कराया जाता है, और हर दूसरे दिन आपको जंग लड़नी है इस चीज़ को लेकर कि नहीं आप परफॉर्म कर रहे हो या करोगे, तो ये बड़ा दिक्कत का काम हो जाता है। सो प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। अगर आप एक आप एक टेक्निकल स्टूडेंट हो तो
ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं रहता है, बिकॉज आप अगर 4 साल बाद या 5 साल बाद टेक्निकल में स्विच करने की सोचोगे तो आपका एक्सपीरियंस जीरो ही काउंट करा जाएगा, बिकॉज आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज है नहीं, आपने तो इसके पहले नॉन टेक में काम करा है ना। अगर पर आप MBA होल्डर हो या फिर आपने सेल्स मार्केटिंग HR व्हाटएवर से MBA करा है तो चीज़ें सीखने को तो मिलेगी ही, साथ साथ आपको आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, तो ये चीज़ अच्छी होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ऑफ की, तो मंथ में आपको 2 ऑफ दिए जाएंगे, बाकी के 2 ऑफ आपको बोला जाएगा कि आपने ठीक से नहीं कर पाए हो सेल, आप काम करो नहीं तो हम सैलरी काट देंगे, देख लो आप नहीं आज आप आपको आज अगर ऑफ चाहिए तो ले लो, पर हम आपकी सैलरी काट देंगे। तो ठीक है, जिसमें से आपको संडे सैटरडे ऑफ नहीं है, आपको ट्यूसडे ऑफ फ्री आ जाता है। ठीक है, ट्यूसडे ऑफ रहता है या मंडे ऑफ रहता है, सो 2 मंडे ऑफ 2 नहीं। इंसेंटिव की बात करूं, इंसेंटिव एक्स्ट्रा मार्क्स में काफ़ी कम है कंपेयर टू बायजूस आई गेस, क्योंकि बायजूस के प्रोडक्ट महंगे हैं और एक्स्ट्रा मार्क्स के प्रोडक्ट सस्ते हैं, उस हिसाब से आपको इंसेंटिव दिया जाता है। आप 70,000 80,000 की सेल करोगे तब जाके आपको 2,000 का इंसेंटिव मिलेगा, तो अब उस हिसाब से आप काउंट कर लो कि अगर कोई चाहता है उसकी सैलरी के हिसाब से इंसेंटिव इक्वल हो इंसेंटिव, तो आई गेस 10-20 लाख का सेल करना पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। टाइम टाइम आपको देना पड़ेगा सुबह 10 बजे से रात के 10, 11, 12, 1 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, टाइम की कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि हम 1 ही बजे तक लेंगे, 2 बजे तक, 3 बजे तक, जितना कई लोगों ने तो 3-3 बजे रात तक भी काम करा है, मैनेजर वगैरह जो रहते हैं वो 3 बजे रात तक भी काम करते हैं, सो टाइम वगैरह की कोई लिमिट नहीं है, सुबह 10 बजे स्टार्ट करना है बस, हाँ ये रहता है। ठीक है, ओके, सो एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी एक्स्ट्रा मार्क्स में वो ये था कि आपका सैलरी में और पोजीशन में इंक्रीमेंट जल्दी जल्दी होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि आप 2 साल के अंदर आप सीनियर मैनेजर बन जाओ या मैनेजर बन जाओ, या उससे नीचे की बात करूँ कि AM बन जाओ, ऑफ कोर्स आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ आपकी पोजीशन भी बढ़ जाएगी, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, पर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी आई गेस, तो जाके वो चीज़ हासिल कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर लोग नहीं वो प्रेशर हैंडल कर पाते तो लोग छोड़ देते हैं, और एक्चुअली मैंने ये चीज़ करी कि मुझे नहीं हो पा रहा था वो प्रेशर हैंडल, तो मैंने वहाँ पर ऐसे भी लोग मिले मुझे जो अच्छी पोजीशन पे थे पहले, तो उनके HR वगैरह कांटेक्ट में थे, तो मैंने उनके थ्रू भी इंटरव्यू दिए कंपनीज में, और मेरा जब एक्चुअली एक कंपनी में हो गया सिलेक्शन, तब जाकर मैंने एक्स्ट्रा मार्क्स से स्विच करा, मतलब तब जाके मैंने रेजिग्नेशन दिया, उसके एक दिन पहले ही मैंने रेजिग्नेशन दिया कि हाँ अब तो मेरे पास एक सिक्योरिटी है, एक एक जॉब है कि अब तो मैं कर सकती हूँ। तो अगर आप ज्वाइन करने के बाद ये सोच रहे हो कि अब तो मुझसे नहीं हो पा रहा, अब तो मुझे छोड़ना है, तो ये आप एकदम से मत करना, आप पहले कंपनी में दूसरी कंपनीज में ट्राई करने की कोशिश करना, और अगर आपके पास आ जाता है कंपनी का ऑफर लेटर, उस कंपनी में आप ज्वाइन होने के हो जाते हो, तो फिर आपको छोड़ने की तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो आई गेस कि आज का वीडियो थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। कल हम चलेंगे मेरी कंपनी में, कल आज परसों दिवाली थी, आज मैंने छुट्टी मनाई है, और कल हम कंपनी कंपनी जाएंगे, कल मैं व्लॉग करूँगी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से देखना। बाय।